हेलो एवरीवन, ये एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर है, एनवायरनमेंटल हेल्थ। इसमें हम पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में। ये क्या है, ये कौन सी जगह है? ये है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये कब बनी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? ये बनी थी 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो मनाया जाता है 7 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन 1948 में बना था क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। कब ये बनी थी? ये फाउंड हुई थी 7 अप्रैल 1948 में, और इसके हेड हैं, डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रस हेडनम। ठीक है, और ये इनकी पिक्चर है, ये है। तो नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है कि हेल्थ क्या होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पुरानी डेफिनेशन है स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग। फिजिकली बंदा फिट हो, ठीक है, कोई डिजीज वगैरह नहीं हो, मेंटली अच्छी साउंड स्लीप आ रही हो उस बंदे को, और सोशली उसके अच्छे रिलेशंस हो, उसको कहते हैं क्या, हेल्थ। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, और मॉडर्न डेफिनेशन कहता है क्या है, अटेनमेंट ऑफ लाइफ टू लीव। अटेनमेंट ऐसी लाइफ हो जाए जिससे बंदा जो है सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ, सोशली अच्छी लाइफ जी सके और प्रोडक्टिव लाइफ जी सके, ऐसी लाइफ को कहते हैं क्या, हेल्थ। नेक्स्ट आ जाता है, इन सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। एक हेल्थी लाइफ साइकिल के लिए पर्सन को क्या क्या चाहिए? नीड्स, बैलेंस डाइट, क्या चाहिए उस बंदे को? बैलेंस्ड डाइट चाहिए, हैज टू टेक एक्सरसाइज लेनी चाहिए, प्रॉपर शेल्टर चाहिए, एनफ स्लीप और गुड हाइजीन, अच्छा एनवायरनमेंट भी चाहिए, हाइजीन को पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में। फूड फॉर्म्स द बेसिस फॉर, फूड क्या है इसमें, बेसिस फॉर कैरिंग आउट बेसिक फंक्शन ऑफ बॉडी, नेसेसरी टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड टू स्टे फिट एंड फाइन। कंडीशंस क्या है? फिजिकल मेंटल बेटर सराउंडिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, रिलैक्स रहना चाहिए, डिजीज फ्री रहे बंदा, एक्सरसाइज करे कंटिन्यू, रिलैक्स रहे, फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग रहे, बेटर सराउंडिंग अच्छा रहे, एनवायरनमेंट अच्छा रहे, एक्सरसाइज करे, रिलैक्स रहे, डिजीज फ्री रहे, सोशली इकोनॉमिकली वेलबींग रहे और स्ट्रेस फ्री लाइफ रहे, ऐसी लाइफ को कहते हैं क्या, हेल्थ। तो ये है हेल्थ की डेफिनेशन। कहता था पहले कि कंप्लीट फिजिकल मेंटल और सोशल बीइंग वेलबींग, अब कहते हैं अटेनमेंट सोशली और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ हो सके, बैलेंस डाइट हो, एक्सरसाइज रेगुलर ले, प्रॉपर शेल्टर हो, एनफ स्लीप, गुड हाइजीन, दीज आर द कंडीशंस। फूड जो है इसका बेसिस बनता है। तो ये डिफाइन किया आज हमने हेल्थ को।